हमारे इस चैनल के थ्रू हम आपको बहुत से ट्रैवलिंग टिप्स प्रोवाइड करते हैं। हमारे ट्रैवलिंग टिप्स से आप आपके वेकेशंस प्लान कर सकते हैं। आपने बहुत बार प्लान किया होगा कि आपको शिमला जाना है, तो आइए आज हम आपको ले चलते हैं शिमला। भारत का प्रसिद्ध हिल स्टेशन शिमला कभी ब्रिटिश इंडिया की गर्मियों की राजधानी हुआ करता था। दोस्तों, उससे पहले शिमला नेपाल के महाराज के अधीन था, मगर बाद में अंग्रेजों ने युद्ध करके उस पर अपना अधिकार जमा लिया। सन 1819 में सबसे पहले लेफ्टिनेंट रोज ने यहाँ पर छोटा सा घर बनाया, फिर मेजर कैनेड ने यहाँ पर अपनी कोठी बनाई। इसके बाद तो जैसे मकानों का तांता सा लग गया। पहाड़ों की रानी शिमला को हिमाचल की राजधानी का गौरव प्राप्त है। ब्रिटिश काल के दौरान बनाए गए भवन, हिमालय के प्राकृतिक दृश्य और यहाँ की स्वास्थ्य वर्धक हवाओं के चलते यह शहर दूसरे हिल स्टेशनों से एकदम अलग है। समुद्र तल से 2159 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह खूबसूरत नगर हिमाचल प्रदेश के दक्षिण भाग में स्थित है। यह शहर प्रत्येक मौसम में पर्यटकों को आकर्षित करता है। यहाँ की हरी भरी पहाड़ियाँ, कल कल करते झरने, शांत झीले, ऊंची ऊंची चोटियाँ सैलानियों को अपने मोह पाश में ऐसा बांधते हैं कि उनका यहाँ से जाने को मन ही नहीं करता। शिमला में सर्दियों के मौसम को लॉन्ग मून नाइट्स यानी लंबी चांदनी रातों का मौसम कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ एशिया का एकमात्र आइस स्केटिंग रिंग भी है। आइए अब हम आपको ले चलते हैं माल रोड की तरफ। यह स्थान शिमला का केंद्र बिंदु है। यहाँ पर्यटकों का हर समय तांता लगा रहता है। माल रोड को वाहनों के शोर और भीड़ से बचाने के लिए कार्टर रोड पर लिफ्ट लगाई गई है। इस लिफ्ट का प्रयोग करके आप माल रोड जा सकते हैं और यहाँ पर अपनी मन पसंद की चीजें खरीद सकते हैं। यह रोड जहाँ स्कैंडल पॉइंट पर रिज से मिलता है, वहाँ लोग लाला लाजपत राय की मूर्ति भी देख सकते हैं। इसके अलावा माल रोड के बीचों बीच बनी छतरी भी देखने लायक है, गेटी थिएटर। शिमला के माल रोड पर स्थित गेटी थिएटर शिमला का सर्वाधिक चर्चित इमारत है। थिएटर लंदन के मशहूर अल्बर्ट हॉल के तर्ज पर बनाया हुआ है। यहाँ अनेक चर्चित नाटकों का मंचन हो चुका है। यह थिएटर वास्तुकाल का अद्भुत नमूना है। माल रोड पर स्थित है क्राइस्ट चर्च। शिमला का यह प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है। उत्तर भारत के चर्चों का यह दूसरा सर्वाधिक पुराना चर्च है। रात्रि में यह बेहद ही खूबसूरत दिखाई देता है। संग्रहालय और पुस्तकालय। यह स्कैंडल पॉइंट से लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर राज्य की ऐतिहासिक मूर्ति कलाओं, चित्र कलाओं, सिक्कों और इतिहास से संबंधित वस्तुओं का संग्रह किया गया है। यह संग्रहालय पहाड़ी की चोटी पर ब्रिटिश शासन काल के बने एक भवन में है। यह संग्रहालय सोमवार और राजपत्रित छुट्टियों को छोड़कर हर रोज खुला रहता है। हिमालयन पक्षीशाला। शिमला आने वाले पर्यटकों को हिमालयन पक्षीशाला भी बहुत आकर्षित करती है। इस पक्षीशाला में मुख्यतः पर्वतीय पक्षियों को रखा गया है। यह माल रोड पर शहर से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। आइए अब हम आपको ले चलते हैं जाखू हिल की तरफ। जाखू हिल की ऊंचाई 2455 मीटर है। यह शिमला का सबसे लंबा पहाड़ है। इस पर शिमला का मध्य भाग फैला हुआ है। यहाँ एक तरफ से पूरे शहर का भव्य नजारा नजर आता है, तो दूसरी तरफ हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं की भव्य झांकी दिखाई देती है। यहाँ पहुँचने के लिए खड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। वैसे जो लोग अपने वाहन के द्वारा इस पहाड़ी पर पहुँचना चाहते हैं, उन्हें 5 किलोमीटर का अतिरिक्त फासला सड़क मार्ग से तय करना पड़ता है। यह हनुमान जी का एक प्राचीन मंदिर है। यदि बंदर आपको चैन से बैठने दे तो आप यहाँ घंटों शिमला शहर का अनुपम सौंदर्य नजारा कर सकते हैं। आइए अब हम आपको ले चलते हैं ग्लेन जंगल। यह एक प्रसिद्ध पिकनिक स्थान है। यहाँ रिज के घने जंगल के रास्ते 4 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके जाया जाता है। जंगल की कल कल बहती नदियाँ वातावरण को संगीतमय बनाती। पर्यटक यहाँ थोड़ी देर बैठकर आनंद लेते हैं। यहाँ भीड़ भाड़ से दूर एकांत पाने के लिए सैलानी आते हैं। ग्लेन से आगे एक खुला मैदान। पहाड़ों में इस प्रकार का मैदान बहुत कम होते हैं। यह मैदान देवदार के जंगलों से ढका हुआ है। चैडविक वाटरफॉल। 67 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिरते पानी को देखने में एक अलग ही आनंद है। यह वाटरफॉल घने जंगल में एक अनोखी छटा बिखेरता है। बरसात में तो यह झरना अपने पूरे शबाब पर होता है। इस जंगल में ट्रैकिंग को भी जा सकते हैं। बंटोनी पहाड़ी। यह शिमला का चौथा पहाड़ है। इस पहाड़ी पर 150 वर्ष से भी अधिक प्राचीन कालीबाड़ी मंदिर स्थित है। प्रॉस्पेक्ट हिल और कामना देवी। शिमला से 5 किलोमीटर दूर
दूर 2125 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस पहाड़ी पर कामना देवी का मंदिर है। बालूगंज से 15 मिनट की चढ़ाई के बाद यहां पहुंचा जा सकता है। यहां पर डूबते सूर्य और निकलते चांद का एक आकर्षक दृश्य आपको देखने को मिल सकता है। आइए अब हम आपको ले चलते हैं शिमला से 51 किलोमीटर की दूरी पर स्थित तत्तापानी। तत्तापानी में गर्म पानी का स्रोत है। यहाँ पर्यटक पीडब्ल्यूडी के विश्राम गृह में ठहर सकते हैं। वाइल्ड फ्लावर हॉल देवदार और ऑफ के वृक्षों के बीच से गुजरकर वाइल्ड फ्लावर हॉल के नाम से इस जगह पर कभी वायसराय का निवास स्थान था, लेकिन अब इसे ओबेरॉय ग्रुप ने होटल बना दिया है। शिमला से 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस स्थान को जाते समय विभिन्न पक्षियों के चहचहाने की आवाज सुनाई देती। आइए अब हम आपको ले चलते हैं कुफरी की तरफ। कुफरी शिमला से 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ याक की सवारी करने का एक अपना अलग ही मजा है। यहाँ हिमालयन वाइल्ड लाइफ चिड़ियाघर है, जहाँ दुर्लभ एंटीलॉप्स व पक्षी है। सर्दियों के मौसम में कुफरी में स्काइकिंग करने का अपना एक अलग ही मजा है। और समुद्र तल से 2250 मीटर की ऊंचाई पर स्थित चैल तीन पहाड़ों पांडवा, राजगढ़ और सिद्ध टिब्बा पर बसा है। यहाँ सन 1891 में बना पटियाला के महाराज भूपिंदर सिंह का गर्मियों का निवास समर पैलेस है। सन 1893 में पटियाला के महाराज द्वारा बनाया गया दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट मैदान भी चैल में ही है। नारकंडा, यह स्थल शिमला से 64 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ से बर्फ के ढके हिमालय पर्वत आकर्षक व मनमोहक दिखाई देते हैं। आइए अब हम आपको टॉय ट्रेन का सफर कराते हैं। कालका से शिमला जाने के लिए आप टॉय ट्रेन से सफर कर सकते हैं। यह खिलौना गाड़ी आपको लंबी लंबी गुफाओं और टेढ़े मेढ़े मोड़ों से होकर गुजारती है, जो आपको बहुत ही रोमांचित कर देगा। रेल मार्ग शिमला दिल्ली से 590 किलोमीटर, कोलकाता से 2031 किलोमीटर और चंडीगढ़ से 117 किलोमीटर की दूरी पर है। कालका तक बड़ी लाइन तथा उसके बाद छोटी लाइन द्वारा शिमला जाया जा सकता है। सड़क मार्ग शिमला के लिए उत्तरी भारत के सभी प्रमुख नगरों से बस सेवाएं उपलब्ध। राज्य परिवहन निगम की बसों के अलावा टूरिस्ट बसें भी उपलब्ध है। आप शिमला कब जा सकते हैं? बरसात के मौसम को छोड़कर किसी भी मौसम में शिमला जाया जा सकता है। नवंबर से लेकर मार्च तक हिमपात का नज़ारा देखने को मिल सकता है।